जी, एक मुद्दा जो आपके भी काफी करीब है, सीएए का मुद्दा। आज कोर्ट ने भी स्टे देने से इनकार कर दिया सीएए के लिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने जो है पारित बहुत पहले किया था, इसको जो है अभी आपने नोटिफाई इतने दिनों बाद, क्योंकि इतना गैप के बाद, क्या चुनाव आपके उसमें था? ऐसा नहीं था राहुल जी, सीएए पारित होने के बाद देश में एक बड़ी गलतफहमी फैलाई गई और इतने में कोविड आ गया। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जब किसी सच्ची चीज के लिए गलतफहमी फैलाई जाती है तो जो पार्टी इन पावर होती है इसका दायित्व होता है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाए। एक भ्रमित किया गया, ऑपोजिशन ने अपनी वोट बैंक जीवित करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए एक भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष करकर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है, सीएए नागरिकता देने का कानून है। सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो सारे भाई तीन देशों से प्रताड़ित होकर आए हैं, वो सालों से यहां बैठे हैं, उनके पास नागरिकता नहीं है, उनके नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, सरकारी नौकरी नहीं ले सकते जी। किस प्रकार से इनका जीवन व्यतीत होगा? एक करोड़ों लोगों की परेशानी को कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं था, वो अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स में ही मशगूल थे और पूरी भ्रांति फैलाई कि सीएए थे देश से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं फिर से एक बार, अनेक बार कर चुका हूं, फिर से एक बार स्पष्टता करना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और जहां तक सीएए का सवाल है, एक कांग्रेस के आजादी के वक्त महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू सबका वादा था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आएंगे वो सारे शरणार्थियों को हम नागरिकता देंगे। वो वादा कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। वो एक प्रकार से नेहरू लियाकत पैक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, मगर राहुल जी का ये सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से लेना देना ही नहीं है। वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बातें आती नहीं है। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल जी, सबका कहना यह है कि जब देश में खुद ही नौकरी और खाने पीने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपैठिए और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां कहां से? घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। और मैं केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी सबको कहता हूं, अगर देश के युवाओं की नौकरी की चिंता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों जुबान सिल जाती है? इसलिए सुल जाती है कि आप अपनी वोट बैंक को हट कर रहे हो। शरणार्थी जो होता है वो प्रताड़ित होकर यहां आता है। अभी मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान में निजाम बदला, सारे लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, सैकड़ों हजारों सिख भाई पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लेकर यहां है, क्या करें उनका? वो घुसपैठिए है क्या? हर सिख भाई बहन का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है, हर हिंदू भाई बहन का इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। इसको घुसपैठिए करार देना ठीक नहीं है। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, वो पहले से यहां रह रहे, आज रह ही रहे हैं जी, कहां लोड डालने का सवाल है? और केजरीवाल कहते हैं क्या खाएंगे? केजरीवाल जी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो 5 किलो अनाज की अर्जी कर दो, आपको भी दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मोदी जी हरेक को 5 किलो अनाज दे रहे, ये सारे लोग यहीं रह रहे हैं, कहां नहीं कोई व्यवस्था करनी। इनको अधिकृत नागरिक बनाना है, उनको सम्मान देना है, उनको अपना मानना है, इसको इस भूमि का हिस्सा बनाना है जो उनका अधिकार है, और इस तरह से देश को बांटने की बातें नहीं करनी। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बेसडर ने भी सीए पर टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं मानता हूं कि उनको पूरी तथ्य की जानकारी नहीं होगी, भारत सरकार का विदेश विभाग क्लैरिफिकेशन दे चुका है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। परंतु मैं इतना फर्मली कहना चाहता हूं, नागरिकता किसको देनी, ये मेरे देश का अधिकार है और ये अधिकार में कोई दखल नहीं। चुनाव पास आ रहा है, अभी कुछ खबर आ रही है कि चाइनीज मिलिट्री ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनका एक अभिन्न अंग है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के समय से कह रहे हैं जी।
और बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वक्त हड़प भी कर गए। मेरा तो जन्म नहीं हुआ था 1962 में जी, परंतु ये मोदी सरकार है, एक इंच भी जमीन देश की किसी भी सरहद पर कोई नहीं ले सकता, ये हमारा भारत की जनता को वादा है। अमित जी, एक सीएए से रिलेटेड सवाल है, और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनोलॉजी की बात हुई थी कि सीएए के बाद एनआरसी आएगा, एनआरसी की बात आजकल कम हो रही है, क्या इसको ये माना जाए कि इस मैनिफेस्टो में ये रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा है जी राहुल जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है, एनआरसी कांग्रेस के वक्त आया हुआ कंसेप्ट है, एनआरपी चिदंबरम साहब जब गृहमंत्री थे तब, गवर्नमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, हमने इसको आगे बढ़ाया, मगर सीएए का जो कानून है इसके अंदर कहीं एनआरसी का प्रोविजन नहीं है, कहीं एनआरसी के जींस भी नहीं है। कृपया देश की माइनॉरिटी को डराना बंद करिए, स्पष्टता से बताइए कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती, और ये वास्तविकता है। नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा, अगले टर्म में इसको देखेंगे? अब मैं तो मैनिफेस्टो कमेटी में अभी ढाप कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे, परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी देश के सामने सीएए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है।